देख रहे हैं उत्तराखंड का स्पेशल बुलेटिन और मैं आपके साथ सृष्टि जैन। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हिमालय के लिए जो हिमाचल है वहां अलग अलग तरह की योजनाएं बननी चाहिए, क्योंकि हिमाचल की अपनी चुनौतियां हैं, अपनी आवश्यकताएं हैं, जिसे पूरे देश के साथ मिलाया नहीं जा सकता। आज हमारे हमको जो है, अभी मैंने जब नीति आयोग की बैठक थी उस बैठक में भी मैंने ये बात उठाई, हिमालय के लिए अलग से योजना बननी चाहिए। और मैं हर बात उठाता हूं क्योंकि हिमालय की अपनी चुनौतियां हैं, अपनी आवश्यकताएं हैं, जिसको पूरे देश के साथ एक साथ मिक्स नहीं किया जा सकता है। और उस दिशा में काम भी हो रहा है। हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में हमको हमारी जनसंख्या है 1,25,00,000 और हमको काम करना पड़ता है, क्या व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं लगभग 8 से 10 करोड़ लोगों के लिए पूरे साल भर में। 4 करोड़ के लगभग तो लोग केवल कांवड़ में आते हैं, चार धाम यात्रा में आते हैं, पूरे साल भर हमारा सीजन चलता है। कभी गंगा दशहरा है तो उसी में 50 लाख लोग आ जाते हैं। तो हमने कहा कि हमको जो है इसके उसमें भी कुछ न कुछ होना चाहिए। और इसलिए हमने सस्टेनेबल टूरिज्म को बढ़ावा देने का भी जो है ये किया है, क्योंकि इससे पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए पर्यटन का विकास किया जा सके। क्योंकि बहुत बार बाहर से भी लोग आते हैं, उनका भी हमको हर प्रकार से आतिथ्य। सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से पर्यटन कारोबार में स्थानीय युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित किए जाने पर लगातार जोर दिया जा रहा है। इसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए ट्रैकिंग ट्रैक्शन सेंटर होम स्टे योजना का शुरू किया गया। इस योजना के तहत ट्रैकिंग रूट से 2 किलोमीटर की दूरी से भीतर आने वाले गाँव में इस योजना को बढ़ावा दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल माध्यम से नैनीताल में आयोजित माँ का नंगा सुनंगा महोत्सव 2024 के शुभारंभ अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी को नंगा महोत्सव 2024 की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि माँ का नंगा सुनंगा सभी श्रद्धालुओं और प्रदेशवासियों की मनोकामनाओं को पूर्ण करें और सदैव कृपा बनाए रखें। उत्तराखंड सरकार में मंत्री गणेश जोशी पर आय से अधिक संपत्ति को लेकर विजिलेंस जांच मामले में अब पूरे प्रदेश की निगाहें टिकी हुई हैं। उत्तराखंड कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा गसौनी का कहना है कि जांच करने से पहले विजिलेंस विभाग धामी कैबिनेट की 3 महीने पहले संस्कृति की मांग कर चुका है, अब मात्र 2 दिन बचे हैं। आज पूरे प्रदेश की नजरें मुखिया पर टिकी हुई हैं। मुखिया को विजिलेंस ने 8 तारीख तक का समय दिया है जांच के लिए, हरी झंडी देने के लिए। कैबिनेट की संस्तुति मांग रहा है विजिलेंस विभाग मंत्री पर पूछताछ करने के लिए, क्योंकि यह अपने आप में अजूबा मामला है। उत्तराखंड गठन के बाद ऐसा 24 सालों में नहीं हुआ हो कि सिटिंग पार्टी जिसका रूल हो प्रदेश के अंदर, उसका सिटिंग मंत्री के ऊपर इतना ज़्यादा गंभीर आरोप लगाओ। आय से अधिक संपत्ति मामले में जाँच करना चाह रहा है विजिलेंस विभाग और उसके लिए हरी झंडी मांग रहा है मुखिया से। अब मुखिया को तो देनी पड़ेगी, इसलिए क्योंकि एक ही प्रदेश में 2 मापदंड तो हो नहीं सकते, आपके 2 यार्डस्टिक हो नहीं सकते। एक तरफ कांग्रेस के नेता पर 12-12 घंटे ईडी पूछताछ कर रही है, दूसरी तरफ अपने मंत्री को बचाने के लिए कभी विधिक राय लेने की बात कही जा रही है तो कभी दूसरी तरीके से हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप जीरो टॉलरेंस की माला भी जपेंगे और जिन पर गंभीर आरोप लगे हैं उनको बचाने का भी प्रयास करेंगे। आप एक तरफ अपनी पार्टी के बलात्कारियों को संरक्षण देते हैं, अब आप भ्रष्टाचारियों को भी संरक्षण देने लग गए। गणेश जोशी के ऊपर कोई विवादों का नाता आज से नहीं है, जिस दिन से उन्होंने राजनीति शुरू की है तब से वो विवादों में घिरे रहे हैं। अभी अभी ताजा मामला उद्यान घोटाले का है जिसमें सीबीआई ने जांच करी, सीबीआई जांच के खिलाफ गणेश जोशी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए जहां से फटकार खा के आए और सीबीआई जांच अनंतोगत्वा हुई और खुलासा यह हुआ कि करोड़ों का गड़बड़ झाला उद्यान विभाग में हुआ है। और उद्यान विभाग के मंत्री कौन थे? गणेश जोशी। सैन्य धाम
जिसको पांचवा धाम कहा प्रधानमंत्री ने अपने मुखारविंद से कि चार धाम नहीं, अब से उत्तराखंड पांच धाम के लिए जाना जाएगा, एक सैन्य धाम भी यहां बनेगा। हमारे शहीदों की, सैनिकों की योगदान की वजह से प्रधानमंत्री ने बात कही, आपने वहां उसको भी भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं किया। वो हमने पुख्ता दस्तावेज रखे सरकार और शासन के सामने कि सैन्य धाम के निर्माण में करोड़ों का बंदरबांट हो गई है, लेकिन उसको भी आंखों देखी मक्खी समझ के सरकार निगल गई। आपने शक्तिमान सरकारी घोड़े को इतना पीटा कि उसको आखिरी में अपने प्राण त्यागने पड़े, और अब आपके ऊपर आय से अधिक संपत्ति का मामला चल रहा है। तो बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी? पाप का घड़ा भरता जरूर है और हिसाब भी इसी जन्म में यहीं देकर जाना होता है। अभी तो बारी सबकी आनी है। गणेश जोशी से शुरुआत कर लेते हैं, और मुझे लगता है मुख्यमंत्री धामी के लिए एक कैच 22 सिचुएशन है। उनको जाँच बैठानी पड़ेगी और जाँच बैठाने के साथ ही गणेश जोशी को पदमुक्त करना होगा, क्योंकि उत्तराखंड कांग्रेस ने दूसरे चरण की श्री केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। कांग्रेस प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने बताया कि कांग्रेस आगामी 11 सितंबर से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में श्री केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा के दूसरे चरण का आयोजन करने जा रही है। रक्षा प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा 11 तारीख से पुनः प्रारंभ होगी, जहां पर हमने यात्रा छोड़ी थी सीतापुर में, और वहां से गौरीकुंड तक जाएगी। गौरीकुंड से फिर पैदल हम केदारनाथ जाएंगे 12 तारीख को प्रातः हम गौरीकुंड से केदारनाथ के लिए प्रस्थान करेंगे, रात्रि विश्राम केदारनाथ में करेंगे। 13 तारीख को माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में कांग्रेस के कार्यकर्ता विश्व के कल्याण के लिए, भारत की प्रगति के लिए, उत्तराखंड की समृद्धि के लिए और भाजपा को सद्बुद्धि दिलाने के लिए बाबा केदार पर जलाभिषेक करेंगे, शिवालय पर जलाभिषेक करेंगे और सबके सुख शांति के। आगामी 10 सितंबर को कांग्रेस के नवनियुक्त सह प्रभारी सुरेंद शर्मा पार्टी मुख्यालय में बड़ी बैठक करेंगे। पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष संगठन और प्रशासन मथुरा दत्त जोशी ने जगाकर जानकारी देते हुए बताया कि सह प्रभारी का 10 सितंबर को कांग्रेस मुख्यालय में आगमन होगा। इसके पश्चात वो कई विषयों पर बड़ी बैठक भी करेंगे, जिसमें निकाय चुनाव से संबंधित चर्चा होगी। इसके अलावा केदारनाथ उपचुनाव को लेकर भी बैठक में विस्तार से चर्चा होगी। देखिए, 10 तारीख को समन्वय समिति की बैठक है। उस बैठक में केंद्रीय हमारे जो सह प्रभारी हैं, नवनियुक्त सह प्रभारी श्री सुरेंद्र शर्मा जी भी सम्मिलित होंगे और प्रभारी महोदया वर्चुअली उसमें जुड़ेंगी जूम के माध्यम से। उस बैठक में हमारे सारे वरिष्ठ नेतागण हैं, समन्वय समिति के सारे सदस्य हैं, और बैठक में विभिन्न मुद्दों पर, स्थानीय निकाय का चुनाव है, गणेश जोशी जी वाला प्रकरण है, आरएसएस की बैठकों में या जो सुबह शाखाएँ लगती हैं उनमें सरकारी कर्मचारियों को की जो पाबंदी थी उसको हटाना है, और केदारनाथ उपचुनाव है, इन बिंदुओं पर महत्वपूर्ण चर्चा होने की संभावना है। और सारे हमने सारे मेम्बरान को इस बात के लिए सूचित किया है, और उसके बाद केदारनाथ उपचुनाव, निकाय चुनाव की तैयारी के लिए हम पर्यवेक्षकों की घोषणा। बंगाली समुदाय के आरक्षण पर भाजपा विधायक मुन्ना सिंह चौहान का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि इस बयान पर उत्तराखंड के बंगाली समुदाय में काफी रोष है। बंगाली समुदाय का समर्थन करते हुए व्यापार मंडल गणेशपुर के आह्वान पर आज पूरा दिन व्यापारियों ने दुकान बंद करके विरोध जताया। विधायक मुन्ना सिंह चौहान का पुतला दहन भी किया। इस दौरान व्यापारियों ने मुन्ना सिंह का पुतला लेकर पूरे नगर में मुन्ना सिंह के खिलाफ नारेबाजी भी की। आज जो दिनेशपुर का बाजार बंद किया गया है, मुन्ना सिंह चौहान के विरोध में किया गया है, मुन्ना सिंह चौहान का पुतला फूंका गया है। जैसे कि अभी आपने कहा कि उसने बंद कमरे में बैठ के माफी मांग ली है, अगर बंद कमरे में बैठ के माफी मांगी है तो किसके सामने मांगी है? मीडिया के सामने मांगे, मीडिया को प्रेस विज्ञप्ति आउट करे कि मैंने बंगाली समाज के सामने जो अपशब्द बोले थे उसके लिए मेरे को शर्मिंदगी है, मैं हाथ जोड़कर बंगाली समाज के पैर पकड़ के माफी मांगता हूँ, इस तरह से माफी मांगी जाए। सिंह चौहान द्वारा जो माफी मांगा गया ये गुपचुप तरीके से मांगा गया, ये सार्वजनिक तौर से
मीडिया के सामने नहीं मांगा गया है, मैं उनसे यही कहूँगा कि आप सार्वजनिक तौर से जो बंगाली समाज के लिए इस तरह से अपशब्द किए हैं उनके जो है उनसे जो है माफ़ी मांगा जाए। हम सब यही कहेंगे मुन्ना सिंह चौहान से। मैं मुन्ना सिंह चौहान ने जो हमारे बंगाली समाज के लिए जो उन्होंने घोर निंदा वाली जो बात कही सदन में, वो इस टाइप का माफ़ी मांगने से कोई माफ़ी नहीं होता है, क्योंकि उन्होंने सदन में बोला ना कि बंगाली पश्चिम बंगाल से यहाँ उड़ के आए। अब बोले ना सदन में कि बंगाली समाज से हमने जो बोला हमने कि गलती हो गई, अब सदन में माफ़ी मांगे, ऐसे मुन्ना सिंह मैंने जो खेद है वो कोई माफ़ी मांगे नहीं होता है। अब पूरे रूप से व्यापार मंडल आज हम लोग पूरे दिन बाजार बंद करके रखे पड़े हैं और आगे भी बंद करेंगे, कि जब तक हमें पूर्ण रूप से मुन्ना सिंह चौहान अगर सही तरीके से माफ़ी अगर ना मांगे हम, तब तक व्यापार मंडल ऐसे हम लोग काम करते रहेंगे, बंद करते रहेंगे, विरोध करते रहेंगे। मैं ये कहूँगा कि जब 7 राज्यों में अनुसूचित जाति को दर्जा जब दिया जा रहा है तो हमारी हमारी यहाँ पे उत्तराखंड में क्यों नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि इतने पूर्वाचार से चलते आ रहा है कि 50-60 साल से हम लोग अनुसूचित जाति के लिए करते फिर रहे कि आज अनुसूचित जाति दिया जाए, क्यों आज 7 राज्यों को दिया जा रहा है, तो इस समय हमें भी इस उत्तराखंड को दिया जाना चाहिए अनुसूचित जाति। हल्द्वानी में सड़क चौड़ीकरण के मामले में प्रशासन ने मंगल पड़ाव से ओके होटल का अतिक्रमण हटाने के लिए 101 नोटिस जारी किए हैं। इस पर उच्च न्यायालय ने 14 अक्टूबर तक अगली तारीख तय करते हुए यथास्थिति बनाए रखने का आदेश किया है। प्रशासन का कहना है कि वे सड़क चौड़ीकरण की प्रक्रिया के तहत कार्यवाही कर रहे हैं और न्यायालय के आदेश के अनुसार ही भविष्य में निर्णय लिया जाएगा। ये मंगल पड़ाव से जो हमारा रोडवेज का स्ट्रेच है, इसमें कुछ लोग पिटीशंस में गए थे और उसमें माननीय उच्च न्यायालय ने जिला प्रशासन को, लोक निर्माण विभाग को प्रति शपथ पत्र दायर करने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया है और उसमें अग्रिम तिथि 14 अक्टूबर की नियत की गई है। हम लोग विस्तृत आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जैसे ही हमें सर्टिफाइड कॉपी मिल जाएगी उसके बाद हम इसमें अग्रेतर तदनुसार कार्रवाई करेंगे। तब से हमें आदेश प्राप्त होता है, सत्यापित प्रति मिल जाती है, उसके बाद ही हम इसमें आगे कुछ कर सकते हैं। देखिए, इसमें स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, इसमें कुल 101 नोटिस इश्यू किए गए थे, जो कि कई नोटिस ऐसे भी हैं कि जो एक ही भवन में कई व्यक्ति रहते हैं, कुछ उसमें व्यापार भी करते हैं, इसके अलावा धार्मिक संरचना भी है, कुछ खाम लैंड पर बनी हुई संरचनाएँ भी हैं। तो सुनवाई का अवसर सभी को दिया गया, उसके बाद जो उन्होंने प्रत्युत्तर दिए, अपने अभिलेख हमें उपलब्ध कराए और जो हमारे विभागों के पास अभिलेख उपलब्ध थे उसके परीक्षण के बाद ये पाया गया कि इसमें जो भू स्वामित्व रखते हैं उसमें मात्र 9 व्यक्ति हैं, जिसमें से 5 फ्री होल्ड हैं और इसके अलावा 4 राजस्व अभिलेखों के अनुसार भूमिधर हैं। तो समिति के द्वारा उन 9 लोगों को ही प्रतिकर दिए जाने की अनुशंसा की गई है। जो अन्य व्यक्ति हैं उनके द्वारा नजूल भूमि पर, खाम भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण करके अपनी संरचनाएँ निर्मित की गई। एक फैक्ट ये भी है कि ये प्रचारित किया जाता है कि 101 लोग पूर्ण रूप से ध्वस्त होंगे, जबकि ऐसा नहीं है। इसमें मात्र नगर निगम के जो 8 से 9 शॉपकीपर्स हैं जिनको पूर्ण रूप से इसमें प्रभावित होने हैं, इसके अलावा जो निजी संपत्ति में कुछ लोग हैं उसमें से 4 संपत्ति ऐसी हैं जिसमें स्वयं उनके द्वारा व्यापार किया जाता है और अन्य 4 से 5 ऐसे दुकानदार हैं जो अन्य लोगों के किराएदार के रूप में काम कर रहे हैं। तो कुल मिला के ये 20 के आसपास संख्या है जिनको पूर्ण रूप से इसमें प्रभावित हो रहे हैं। बाकी जितनी भी संपत्तियां हैं उसका 12 मीटर की परिधि में आंशिक भाग इसमें आ रहा है। बाकी जो हमारे लोक निर्माण विभाग के जो अभिलेख हैं उसके अनुसार इस सड़क का जो ROW है वो 30 मीटर का है, मध्य बिंदु से 15 मीटर तक का ROW लोक निर्माण विभाग द्वारा बताया गया है। तो फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए ANP न्यूज़। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड के लिए एक सशक्त भू कानून की मांग जनता द्वारा लगातार सरकार से की जा रही है, तो वहीं मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस भी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए नजर आ रही है। इस बात को लेकर कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने भाजपा सरकार पर कंच कसते हुए कहा कि भाजपा क्या कहती है, क्या करती है, ये देश और दुनिया दोनों जानते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है और क्या करती है ये पूरे देश और दुनिया जानती है। इन्होंने तो ये भी कहा था कि हम काला धन लेके आएंगे, इन्होंने कहा था कि हम 2 करोड़ बेरोजगार युवकों को रोजगार देंगे, इन्होंने कहा था कि हम किसानों की आय दुगनी करेंगे,
इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो मात्र जुमला साबित होती है, और जो भी करेगी भू कानून लेके आएगी, उत्तराखंड को स्थायी राजधानी की अगर बात करेंगे, सारे मुद्दे कांग्रेस लेके आएगी, और निश्चित तौर पर जब कांग्रेस की सरकार बनेगी इन सब बातों को प्राथमिकता मिलेगी और इसका समाधान होगा। राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा संगठन महापर्व के तहत सदस्यता अभियान का आगाज हो गया है। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वीक दिन भाजपा कार्यालय पहुंचकर भाजपा की सदस्यता को रिन्यूअल बनाया, जिसके बाद ये अभियान पूरे देश में चलाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार अपनी विचारधारा से उलट मुस्लिम समुदाय पर भी खास रणनीति को तैयार किया है। भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम समुदाय के लोगों को भाजपा की सोच से जोड़ना चाहती है। ये पहले से ही है, हमारे पास एक अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ है, बाकायदा मोर्चा है, और हमारे कुल 6 मोर्चों में से एक अल्पसंख्यक मोर्चा भी है और जो बहुत सक्रियता के साथ काम करता, तो हमेशा सदस्यता अभियान में सम्मिलित रहा, कोई नई चीज नहीं है। और बीजेपी ने सभी मोर्चों को टारगेट दिया तो स्वाभाविक बात है वो भी हमारा एक मोर्चा उसको भी टारगेट दिया, वो सदस्यता अभियान में हिस्सा लेंगे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कल यानी कि 10 सितंबर को देहरादून जिले में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया जाएगा। इसके तहत जिले के आंगनवाड़ी केंद्रों पर 1 से 6 वर्ष के बच्चों को, साथ ही सभी सरकारी गैर सरकारी विद्यालयों के 6 से 19 साल तक के बच्चों को एल्बाडेज जोल की दवा खिलाई जाएगी। हफ्ते भी इनको साफ करते रहेंगे तो डेंगू नहीं होगा। सर इस बार ऐसा आप लोगों ने क्या खास करा है कि हमने इस बार समय से पहले जून से ही हम बराबर इसमें मीटिंग भी कर रहे हैं नगर निगम के साथ में, 3 दफे जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में भी हमने सभी विभागों की मीटिंग की थी, और पर्सनली भी हम लोग घर घर जाके आशाओं के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं, पंपलेट भी बंटवा रहे हैं, स्टिकर भी लोगों के घरों में चिपका रहे हैं। आईसी पे हमारा ज्यादा जोर रहा है और सोशल मीडिया के साल ये साल में 2 बार ये हम बच्चों को अपने एल्बेंडाजोल टेबलेट देते हैं, जिससे कि उनके पेट की कीड़ों के लिए बेसिकली होता है। तो ये करीब 6.5 लाख बच्चों का हमारे जनपद का लक्ष्य है, जिसमें हमारी सभी विभागों से बैठक हो गई है। मेनली इसमें शिक्षा विभाग का मेन रोल रहता है, क्योंकि स्कूलों के माध्यम से ही हम बच्चों को ये दवाई खिलाते हैं। तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि 100% इसमें। नगर निगम देहरादून की तरफ से सरस्वती बिहार में विशेष स्वच्छता कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और विधायक उमेश शर्मा काओ ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने सड़क पर झाड़ू लगाकर सफाई का संदेश देते हुए पर्यावरण मित्रों का उत्साह वर्धन किया, साथ ही लोगों को स्वच्छता की शपथ भी दिलाई। देखिए, आगामी 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की जयंती है, उसके उपलक्ष्य में जो है विशेष स्वच्छता अभियान जो पखवाड़ा किया जाना है, उसी के क्रम में आज माननीय शहरी विकास मंत्री जी के द्वारा जो है इसकी अभियान की एक औपचारिक उन्होंने अपनी तरफ से एक संकेत दिया है स्वच्छता के प्रति, जिसमें जो हम लोगों ने जो है अजयपुर की तरफ जो है माता मंदिर रोड पर जो हमारी सोसाइटीज हैं उस पर विशेष अभियान चला रहे हैं, और साथ ही साथ स्वच्छता के अतिरिक्त जो है लोगों को फॉगिंग लार्विसाइडल का छिड़काव भी करवा रहे हैं लोगों की मांग पर, और लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं कि किस तरह जो है इस समय डेंगू के चूंकि सीजन आ रहा है तो उसके प्रति जो है सजग रहें। पुराना बस अड्डा रोड स्थित एक ऑटोमोबाइल की दुकान पर किसी बैग को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया। विवाद में एक पक्ष ने ऑटोमोबाइल के मालिक शिवम गांधी की पत्नी के साथ मारपीट की, गले में पहनी सोने की चेन छीन ली, साथ ही शिवम गांधी ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस दुकान पर हंगामा कर रही महिला सहित 4 लोगों को हिरासत में ले लिया है। एसएसपी पौड़ी लोकेश्वर सिंह अपनी ईमानदारी और सख्त रवैये के लिए जाने जाते हैं। कुछ महीने पहले ही उन्होंने पौड़ी जनपद से एसएसपी पौड़ी का चार्ज संभाला है, जिसके बाद से ही जिले की पुलिस पहले से अधिक सक्रिय दिखाई दे रही है। आए दिन नशा तस्करों को पौड़ी पुलिस हवालात की हवा खिलाने से जरा भी नहीं चूकती। देखिए, एक पब्लिक के व्यक्ति के पास द्वारा हमारे पास शिकायत आई थी कि एक कर्मचारी के द्वारा कुछ मांग की गई थी और जिसका हमने संज्ञान लिया है और उसमें कार्रवाई करते हुए तत्कालित हमने इमीडिएटली कर्मचारी को सस्पेंड किया और उसमें
रानीखेत से भाजपा विधायक प्रमोद नैनवाल और उनके भाई के पास अवैध हथियार पकड़े जाने के मामले में कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भाजपा पर कई तीखे आरोप लगाए हैं। रावत के आरोपों पर पलटवार करते हुए भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन का बयान भी सामने आया है। उनका कहना है कि हरीश रावत पहले अपने कार्यकाल को याद करें, उसके बाद कार्यकाल में इससे भी जघन्य अपराध हुए थे। देखिए माननीय हरीश रावत जी बहुत ही वरिष्ठ हैं, लेकिन जब अगर वो किसी पर आरोप लगा रहे हैं, एक उंगली अगर वो सरकार की तरफ उठा रहे हैं तो तीन उंगली उनकी तरफ भी मुझे लगता है कि उठती है, क्योंकि उनके कार्यकाल में भी ऐसे ऐसे बड़े बड़े काम हुए हैं। लेकिन जो ये प्रकरण हुआ है, आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि वहाँ पर इस तरीके का प्रकरण हुआ है, तो ये एक कानूनी प्रक्रिया है और कानूनी प्रक्रिया में जाँच चल रही है, और उस जाँच में अगर दोषी होगा तो जेल की सलाखों के पीछे जाएगा। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को राजनीतिक रोटियाँ सेकना बंद करना चाहिए। हर मुद्दे पर कांग्रेस जो है राजनीति करने के लिए खड़ी हो आती है और सत्ता पक्ष को बदनाम करने की कोशिश करती है, तो उन्हें कोई भी अवसर ऐसा जनता नहीं दे रही है कि वो कहीं से चुनाव जीतने जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि क्योंकि बहुत वरिष्ठ हैं, आरोप लगाने से पहले अपने किए गए जो पिछले जो कार्यकाल था उनका, उस पर भी अगर ध्यान दें तो ज्यादा बेहतर होगा। भाजपा नेताओं के संरक्षण। विकास नगर कोतवाली में बीते दिनों पुलिस के द्वारा रुद्र सेना के संस्थापक राकेश कमर उत्तराखंडी पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसके विरोध में कई हिंदू संगठनों के लोगों ने एकत्रित होकर कोतवाली विकास नगर का घेराव किया। राकेश कमर उत्तराखंडी का कहना है कि उनके ऊपर झूठा मुकदमा पुलिस के द्वारा लगाया गया है। एक झूठी FIR दर्ज की गई है, जिसमें हम लंबे समय से हिंदू समाज के साथ हो रहे अपराधों अन्याय के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। रुद्रसेना, देवभूमि फाउंडेशन, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, वैदिक मिशन, काली सेना, रक्षा सेवा रक्षा दल, सभी संगठन मिलकर हमने ये विरोध किया है कि किसी भी व्यक्ति पर, किसी भी हिंदू व्यक्ति पर ऐसी झूठी FIR दर्ज ना हो। FIR आती है तो उसकी एप्लीकेशन आती है तो उसकी तस्दीक करें, तभी मुकदमा दर्ज करें। साथ में जो लोग कल यहाँ पे आए थे वो मुझे आतंकवादी कह रहे थे, बताएं कि मैंने काम रामराज किया, बताएं क्या मैंने काट मार की, यदि मैं आतंकवादी तो मेरा एनकाउंटर कर दिया जाए। लेकिन वहीं पे ये गनर को कह रहे हैं कि हम मार देंगे, गनर कह रहे हैं कि वो ऐसा है वैसा है। इनकी चाल हम लोग समझते हैं कि कैसी चाल है। ये चाहते हैं कि गनर हटे, सुरक्षा हटे, हम तत्काल प्रभाव से राकेश उत्तराखंडी को निपटा दिया जाए। इसी मीडिया के माध्यम से मैं अपनी सुरक्षा की भी मांग कर रहा हूं, सुरक्षा बढ़ाई जाए। साथ में ये लोग जितने भी क्षेत्र में अपराध हो रहे हैं उसके खिलाफ आगे नहीं आते, बल्कि जो जो हिंदू व्यक्ति, आज मेरा नंबर है, कल दूसरे का नंबर है, परसों तीसरे का नंबर है, ये हिंदू व्यक्ति को चुन चुन के FIR दर्ज करने की कोशिश करी, ऐसा हम होने नहीं देंगे। ये मुस्लिम उत्तराखंड के स्पेशल बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए ANB News के साथ। नमस्कार।